रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकमा सच देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू प्रोग्राम दे विच लैके आदरां पंजाब दी सियासत दा वड्डा ते लुकमा सच गलबात करांगे कि पंजाब दे अंदर किसानां दा मोर्चा गन्ना अंदोलन शुरू हो चुकिआ है कि इस अंदोलन दे पिछे सियासत किसानां दी तां नहीं है सियासत पर कुछ जिहड़े वड्डे लीडर ने सीधे तौर पर जे कही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस दे पिछे सियासत मनी जा रही है सियासी गलियारां दे विच चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर किसानां नूं पंजाब दे विच भी किसान अंदोलन लगाउण दे लई मजबूर क्यों किया जा रहा क्यों किसानां दीआं मंगां जिहड़ियां मनियां नहीं जा रही इस दे पिछे की वजह ने इस दे सारी गलबात करांगे कल आर एस एस अते अकाली दल पक्षी अफसर नौने पंजाब दे अंदर ते पंजाब दे किसानां नूं पंजाब दे विच किसान अंदोलन शुरू करन दे लई मजबूर करना इस दे पिछे बड़ी बड़ी साजिश हो सकती है ते साजिश की हो सकती है साजिश हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ क्योंकि उन्हां नूं एक तरीके दे नाल जे असी अपने भरोसेयोग सूत्रां दे अनुसार दसीए तुहानूं तां हाईकमान जिहड़ी है 2022 दे लई मुख्यमंत्री दा चेहरा अपने तौर ते जिहड़ी उह मन चुकी है ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल दे करीबी साथियों नूं इस गल दी भिणक है ते हो सकदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं वी सीधे तौर ते भिणक लग चुकी होवे तां शायद इसे करके जिहड़ी साजिश रची गई होवे की कुछ हो सकता है इस दे पिछे सियासी गलियारां दे विच चर्चा दा विषय है जेकर सियासी गलियारां दे विच चर्चावां हुंदियां तां उहदे पिछे कोई ना कोई गलबात जरूर हुंदी है इन्हां चर्चावां दे उपर गलबात करांगे गलबात लई मेरे नाल मौजूद ने प्रोफेसर मनजीत सिंह अणखी साहब सब तों पहलां स्वागत करदे आं अणखी स्वागत है प्रोग्राम विच बहुत बहुत धन्यवाद जी अणखी जी किवें देखदे हो एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख्यमंत्री दा चेहरा बनाउण दी तैयारी हो रही है उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह तां झटका ही होना ही होना सी ते सब नूं पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरी दम तक जिहड़ी हार नहीं मनणगे सिद्धू दे सलाहकार सिद्धू ते आम लोक ते सियासी पंडित वी इह गल्लां कहिंदे आ कि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपनी कुर्सी जांदी दिखाई दित्ती तां विरोधी धिरां नूं फायदा पहुंचाउण दी उह कोशिश जरूर करनगे कल चर्चावां दा विशा इह वी रिहा कि जिहड़ियां कल प्रशासन दे विच वड्डा फेरबदल होया आर एस एस पक्षी ते अकाली दल पक्षी अफसर लगाए गए ते हुण किसानां दा जिहड़ा गन्ना अंदोलन शुरू होया जंतर दे विच ओह किसानां नूं मजबूर कीता जाणा कि पंजाब दे अंदर किसान अंदोलन चले खास करके उदों जदों वोटां दे विच कुछ ही समां बाकी रह गया होवे अजिही परिस्थितियां तां अपने आप क्रिएट करवाउणियां सरकार दे वल्लों सौखी गल नहीं हुंदी अपने खिलाफ करवा ही नहीं सकदी पर फिर भी गल की है किसान जिहड़े स्क्रीन दे उपर तुसीं देख सकदे हो मैं अपनी टैक्नीकल टीम नूं कहांगा कि जिहड़ा किसानां दा गन्ना अंदोलन शुरू होया है उहदे विच किसानां दीआं मंगां की ने उह इक वारी स्क्रीन ते दिखाउण किसानां दीआं मंगां आखी साहब की ने किसान कहिंदे आ कि साडे जिहड़े गन्ने दे भाअ ने उह वधाए जाण दूजा उह कहिंदे आ कि 155 करोड़ जिहड़े प्राइवेट मिलां दे कोल साडा बकाया खड़ा इक तां उह ते 45 करोड़ जिहड़ा सहकारी ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ 200 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਫਰੇਸ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੰਗ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਰਦਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਆ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਨ ਪੱਤਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਕੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਆ 358 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਇਹ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 358 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ
अंदोलन शुरू होना सी पंजाब सरकार वालों जी 15 रुपए की जी कीमत वधा दी गई 325 रुपए 310 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना पहला सी तो हूँ 325 रुपए हो गया। पर जेकर अंतरराष्ट्रीय पद्धर से गन्ने की जी काश्तकार इन्हों के उत्पादकों की स्थिति वेखो कि क्यों हर साल या हर समय तो बाद अजिंह स्थितियां पैदा होंगे उन्होंने जो विश्लेषण करना वह भी जरूरी है। अगर जेकर गन्ने की गल करते जे या खंड की आप चीनी की गल करिए जरा इस वे ग्लोबल जो स्टॉक हैगा वह बहुत ज्यादा आ 2018 जो चीनी का जो ग्लोबल स्टॉक से या विश्व पद्धर से जो स्टॉक किया गया वह 53.4 बिलियन टन से 2018 की मैं गल कर रहा जो अज की तरीक के बढ़ के जो 74% 74.  समथिंग है जो संसार पद्धर से है तो जो कि उसकी जी खपत हैगी खपत जी बहुत घट है खपत जी 2018 खपत जी 35 समथिंग से तो मैं जी गल कर रहा मैं ये गल कर रहा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर से गन्ने कीमतों का ग्लोबल स्टॉक होने करके जोड़े किसान ने चाहे वह पंजाब का किसान चाहे वह हरियाणे का किसान उन्होंने नुकसान जरा हो रहा तो किसान यह चाहते हैं कि सरकार जी भरपाई करे जो सा नुकसान हो रहा सरकार अपना जो रोल जरा वह अदा करे पर सरकार की जी जिस तरीके का तुम दसिया कि सरकार की इस तरह कह सकते कि मंशा ही नहीं है कि किसानों के जो लटकते मुद्दे नैटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं जी एक गल सवाल पूछना चाहता कि जिस तरीके हो सकता है कि आप कर्जा जताया कि सियासी गलियारा के चर्चा का विषय कि नवजोत सिंह सिद्धू टारगेट ले लैण की जी गल हो सकती है तो उत्थे ही सुखजिंदर सिंह रंधावा भी किसानों अगे बुरा पाने की गल हो सकती है क्योंकि जिस तरीके टीचर अगे विजेंद्र सिंगला जोड़े बुरे पे हुए हैं तो उत्थे ही जोड़े किसान अगे कुछ घपलिया के कारण जोड़े भारत भूषण आशु ने वह भी थोड़े जिमें देखा कि पिछले जो एपीसोड हुए घपले कई तरह के सामने आया विवादों के रहे हैं उत्थे बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े होस्पिटैलिटी के करके विवादों च रहे हैं कितने वैक्सीन की कमी के करके रहे हैं कितने कुछ होस्पिटैलिटी के जिहड़े कपड़ियां के करके रहे हैं तो उवें ही जिहड़े सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्होंने भी एक बैकफुट के करन दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे वल्लों ये साजिश जिहड़ी हो सकती है कि यह जिहड़ा मेरे वल्लों टुट के नवजोत सिंह सिद्धू की ज्यादा जिहड़ी मदद कर रहा है पूरी गेम घुमा रहा कितें ना कितें इहनूं भी किसानां दे अगे बैकफुट ते धक्किया जावे क्योंकि जिहड़े ये मिलां गन्ना मिलां नाल संबंधित जिहड़े मंत्री ने सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जी जी सुखविंदर जी गल असल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी तां जदों दे सूबा कांग्रेस नवजोत सिंह नूं प्रधान बन के आया उदों तों लैके हुण तक जिहड़ी उन्हां दी प्लैनिंग है जां जिहड़ी उन्हां दी कार्यशैली है उह हर मंत्री जिहड़ा उन्हां दे खिलाफ फुकदिया उहनूं फुड्डे नाल लाउंदी हैगी आ तां जिस तरीके नाल कल सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जदों सुमेध सैनी दी उह हाई कोर्ट वल्लों जदों उसकी गिरफ्तारी से रोक लगी तो सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट जी ठोक के दी तो उस स्टेटमेंट के उल्ट जवाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी उस तरीके पूर्ण तौर पर जरा बड़ा ठोक के उन्होंने जवाब दिता कहने का अर्थ है कि यह तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना की पूर्ण तौर पर कार्यशैली का हिस्सा है कि जेड़े मंत्री ज जे विधायक उन्होंने खिलाफ भुगते ने कांग्रेस हाईकमान के अगे उन्होंने किसी ना किसी तरीके खुटे रहा लाना ही लाना और यह भी गल दसी कि जिस तरीके ने कल 20 तरीक ध्यान सिंह मंड होना ने सद्या तृप्त रजिंद्र बाजवा या बाकी बंदे भी पहुंचे तो तृप्त बाजवे ने जिहड़ियां जिस तरीके ने कल बदलिया हुई ने उन्होंने सगे भांजे जरा एस एस पी बदल के कि उन्होंने दूसरे पासे ला दिता गया कहने का अर्थ यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणा वालों हर हीले एक कोशिश की जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के धड़े को कमजोर किया जाए हालांकि आम वेखन जी स्थिति है तो पर्दे के पिछे सॉरी पर्दे के अगे बिल्कुल तो साफ और स्पष्ट नजरी आ रहा कि जिवें जफ्फियां भी पै रही ने उन्होंने मंगा भी मनिया जा रही ने नवजोत सिद्धू जिस तरीके कल गए और जिस तरीके जाके उन्होंने अपनी जा रही है क्योंकि जिहड़ियां प्रपोजल नवजोत सिंह सिद्धू रख रहे हैं वह बिल्कुल सही ने वह लोगों के हित के इस करके मजबूर मनिया जा रही ने नहीं तो शायद उन्होंने टालमटोल भी किया जा सकता बिल्कुल उन्होंने वालों पूर्ण तौर पर मनिया जा रही ने क्योंकि नवजोत सिद्धू वालों जी कोई प्रपोजल या जी कोई मंग लैके की जाती है वह निजी पद्धर से तो उन्होंने वालों की नहीं जाती कि मेरा यह कर दू वह लोगों के हित की या लोग मुद्दे की गल करते हैं पर जो पर्दे के पिछला सच है जिस पासे सुखविंदर जी असं गल कर दी है जोड़ा लुकवा सच है लुकवा सच यो ही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी किसी भी सूरत
नवजोत सिद्धू के दिन ब दिन वधदे कद नूं बर्दाश्त नहीं कर रहे, उस नूं ढा लाउण वास्ते यह जो किसानी अंदोलन पंजाब दुआबे की धरती तो जो शुरू होया टारगेट भी जरा हैं कि किसी तरीके कि जेकर कल स्थितियां पैदा होंगे ने तो कुदरती तौर पर जरा दोष या नवजोत सिद्धू के सिर पर मड़िया जा सके या उन्होंने टारगेट किया जा सके। एक जो विशाल भूमिका के दौरान जो एक प्रश्न किया विश्लेषण किया कि जड़िया बदलियां की गई ने वह आर एस एस और अकाली पक्षी जो अफसर भी भुल आए हैं। इसका मतलब की है, इसका मतलब कि आने वाले दिनों अजिही स्थिति पैदा कर देना है कि जे अकाली विधायक या सॉरी जे कांग्रसी विधायक या मंत्री ने उन्होंने बैकफुट तो किया जाए तो कुदरती तौर पर की होगा कि नवजोत सिद्धू का जरा कांग्रेस इन्ना कमजोर कर देना है, नवजोत की लोगों के अगर स्थिति कमजोर करने की कोशिश है कि इन्होंने जिहड़ियां जो गतिविधियां कीतियां जा रही ने यही कारण हो सकता है। बिल्कुल ये तो कोई दो रहा नहीं, जिस तरीके स्थितियां सामने आ रही हैं और पर्दे के पिछला जो सच है वह सानू वेखन मिलता पाया अनुसार तो सुखविंदर जी ये कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी एक सोची समझी रणनीति के तहत चलते पे ने। जिस तरीके आज शब्द यूज किया कि आर एस एस और अकाली पक्षी, कल की है कल की तरीक के अनिल जोशी जरा अकाली दल च शामिल होंगे, 13 भाजपा के जिहड़े मंत्री ने साबका जिहड़े वह अकाली दल च शामिल होंगे है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी ठीक 15 दिन पहला उत्ते जाके कांग्रेस जिहड़ी भाजपा की हाईकमान आ जिन्हां दे विच प्रधानमंत्री मोदी ने और दूजे पासे गृह मंत्री अपने अमित शाह हुणी आ उन्हां नाल भी मीटिंगां दा उन्हां दा सिलसिला जारी है। सो कहण दा अर्थ नवजोत अपने सुखविंदर जी यह आ कि अज दे समें दे विच पड़दे दे पिछे कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां वल्लों बहुत कुछ अजिहा कुछ किया जा रहा जिहड़ा आउंदियां दिनां दे विच कांग्रेस वास्ते नवजोत सिद्धू वास्ते असीं कह सकदे कि गंभीर चुनौतियां नूं पैदा वो कर सकता, क्योंकि इस वे जी कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी आ एक अजिही लड़ाई लड़ते पे आ जिस लड़ाई च उन्हां नूं पता आ कि वह लड़ाई के लड़ना उन्हां दी मजबूरी आ पर वह शिखर के मुकाम से नहीं पहुंच सकते क्योंकि हुण उन्हां दे बराबर का एक नेता जिहड़ा कांग्रेस हाईकमान को हैगा और पंजाब के लोग उस चेहरे वल वेखते पे आ। पर क्योंकि दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी उच्च उदासी परिवार के विचों कि जिन्हां ने हमेशा हकूमत करनी सीखी है हकूमत के थले रहना नहीं सीखा तो यो ही कारण आ उन्होंने को सियासत सियासत की जी शतरंज आते बड़िया योजे मोहरे हैं जी मोहरे कभी अगे करते हैं कभी पिछे करते हैं, जिस तरह शतरंज का एक घोड़ा होंगे वो ढाई चाल जी चलता है जिस तरीके की आम तौर पर गल्ला होंदिया ने पता नहीं लगता कि कितों उन्होंने वार करना। पर जो भी मर्जी हो जाए ये जो किसान अंदोलन की जी गल कर रहे जिस तरह प्रोग्राम आप शुरू किया बेशक ये उपर उपरली नजरे सानू वेखण च इहो महसूस हो रहा कि ये किसानों वालों कीमतों लैके ये किसानों वालों अपन मंगों लैके ये अंदोलन शुरू किया गया। पर सुखविंदर जी इस अंदोलन की जी असली कहानी आ जरा असली लुकवा साचा उस पड़दे के पिछे ही आ जरा बयान किया किसान बेचारे मजबूर किए हुए ने इन्हों कि वह किसान अपनिया मंगा लैके इतने व्डे पद्धर से अंदोलन कर अपनी ही सरकार के खिलाफ करवाया जा रहा है कुछ वे लीडर वालों। मैं पहले सीधे तौर पर आप कह ही चुके कि वालों मजबूर किया गया क्योंकि जिमें कल एक अंक साहब प्रोग्राम कल पंजाब सरकार का प्रोग्राम करजा मुआफी लैके उत्थे हासे हासे के जेडे विधानसभा के स्पीकर ने अपने पंजाब के हासे हासे के 100 करोड़ रुपया कैप्टन अमरिंदर सिंह तो देते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हस हस के ही देता हासे हासे जी मजाक मजाक जी 100 करोड़ रुपया ऐलान कराता उन्होंने उत्ते जेकर हासे हासे के 100 करोड़ का ऐलान कर सकते हो फिर जेडे बेचारे सड़कों से दिन रात बैठने मजबूर ने तो उन्होंने 200 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे सकते बई। बिल्कुल गल तो फिर सुखविंदर जी उही है ना क्योंकि जो स्पीकर ने जे हसते हसते गल की है तो गल तो यह है कि जेकर यह भी हसद हसद यह गल की हल की जाए तो दह यह जरा अंदोलन पता नहीं हम किन्ने दिन चलना पंजाब के लोगों ने होर पता नहीं किन्ने दिन सड़कों के जेडे धक्के खाने ने तो गल तो यह है कि जेकर वह धक्के ना खाने तो फिर जी ईगो है उन्होंने जो स्वै है उन्होंने फिर पट्ठे नहीं ना पेंदे उस पट्ठे अपनी ईगो में पट्ठे पाने वास्ते फिर योजे अंदोलन जोड़े आ वो सड़कों तक रखने जारी होंगे है संसद तो लैके सड़क तक ज सड़क तो लैके संसद तक जो अंदोलन चल रहे हैं जो ये गल चल रही ने जो ये गतिविधियां चल रही ने जे जे वाकई इस तरीके हो रहा जो चर्चा का विषय बनिया हुई ने तो चर्चा से आप भी उस खबर के उपर चर्चा कर रहे हैं जे वाकई इदा नहीं सही गल है कि इन गतिविधियों के नाल कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू कोई नुकसान होगा
जां फिर जिवें आपां जां आपणे जिहड़े दर्शक है जां फिर जिहड़े सियासी पंडित है जिहड़ियां इह गल्लां नूं समझ रहे है जां फिर इदां वी इदां लोक वी जिहड़े समझदे होणगे सारियां इहनां चालां। देखो नुकसान होना कुदरती तौर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा दी तां योजना इहो रहेगी कि जेकर मैं नहीं तां नवजोत सिद्धू वी ला रहा नुकसान कांग्रेस नूं होएगा और उन्हां दी मंशा जिहड़ी है अखीर तक उन्हां दी इहो रहेगी कि किसी ना किसी सूरत विच जिहड़ी कांग्रेस आ बैकफुट ते जावे और उसका जिहड़ा खमियाजा आ वह नवजोत सिद्धू नूं भुगतना पवे। तां एक वारी फिर असीं दस दईए कि जिहड़ा हैगा जिहड़ी असीं चर्चा कर रहे हां इह चर्चा जिहड़ी कर रहे हां इह जिहड़ा किसान अंदोलन जिहड़ा चल रहा है पंजाब दे अंदर शुरू होया उस ते चर्चा कर रहे हां कि की कारण है कि किसानां नूं मजबूर क्यों किया गया क्यों लोगों को सड़कों पर पंजाब दे विच भी अंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि सरकार जिहड़ी है वह चाहती नहीं होंगी कि इस समय दे विच आके जिहड़ा साडे खिलाफ कोई जिहड़ा अंदोलन चले क्योंकि जिहड़ियां स्थितियां बनिया हुई ने इस वक्त वह वोटा सिरते ने वोटा सिरते होने के कारण सारिया पार्टियां जिहड़ियां तैयारियां शुरू कर चुकिया ने कोई चाहता नहीं कि साडे खिलाफ कोई इहो जिहा जिहड़ा अंदोलन शुरू हो जाए। तो अणखी साहब साडे नाल दुबारा जुड़ चुके जी अणखी साहब तुसीं अपनी गल नूं कैरी ऑन करो। जी जी मैं ये गल कर रहा था कि जिस तरीके प्रश्न च गल की नुकसान की कि नुकसान कांग्रेस को या नवजोत सिद्धू हो सकता मैं ये गल जवाब दे रहा सर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होना की मंशा या इच्छा यो रहेगी कि इस खमियाजा जरा नवजोत सिद्धू या कांग्रेस पार्टी को भुगतना पवे जेकर ये मंगा सीरियस तौर पर हल ना किया गया। पर सुखविंदर जी असल गल यह है कि इस वक्त जो लोग ने वह हूँ यहोजी चालों के फसन वाले नहीं है उसका कारण यह है कि यह अंदोलन अजे अज शुरू होया अज दूसरा दिन है दूजा दिन भी कंप्लीट जरा पूरा नहीं होया और असं बकायदा तौर पर सरकार की इस मंशा की चर्चा कर रहे हैं जेकर असी अपने दर्शकों ये संबंधी पूर्ण तौर पर सचेत कर रहे हैं तो दूजे पास लोग जोड़े पंजाब के लोग ने वह भी यह समझ रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होना वालों हर मसले के प्रति जो यहोजी एक नीति अपनाई जाती है उसका मेन कारण की होंगे उसका मुख्य कारण की है जिस तरीके मैं पहले ही गल की कि हूँ अजे तक पंजाब का कोई भी वर्ग कैप्टन अमरिंदर सिंह होना तो खुश नहीं है उन्होंने कोई भी कार्यशैली इदा की नहीं है कि जिन्होंने लोग मसलों या लोग मुद्दों हल किया हो कोई गल नहीं कि जेकर यहोजे सारे सुनैरियो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना वालों यहोजा कुछ किया जा रहा तो तुम देखियो दो या चौं दिन तक नवजोत सिंह सिद्धू होनी खुद इस मुद्दे किसानों सीधे तौर पर रूबरू भी हो सकते हैं उन्होंने मंगों को लैके नवजोत सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह होना को भी जा सकते हैं तो जरूरी नहीं है सुखविंदर जी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होना की हर चाल जी सीधी पैनी है पुठी भी पै सकती है कि जेकर नवजोत सिद्धू इस सारे मसले को लैके हाई मतलब उन्होंने को ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह होना को जाते हैं क्योंकि यह पंजाब के किसानियों का मुद्दा जुड़िया अगला मुद्दा तो जो पहला मुद्दा वो तो अं कह दें कि काले कानून केंद्र सरकार ने रद्द करने या नहीं करने पर यह मसला तो सीधा पंजाब की सरकार का जुड़िया तो कुदरती तौर पर जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने यह चाल केवल और केवल नवजोत सिद्धू नूं बैकफुट ते या कांग्रेस पार्टी के नुकसान वास्ते की है जो शुरू की या चलाई है कथित तौर पर अं कह रहे हैं तो फिर दूजे पास नवजोत सिद्धू भी यह कर सकता कि सारे मुद्दे नूं एक सीलबंद लिफाफे के लिया के कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने पेश करेगा कि हाँ भी इन्होंने मुद्दों हल करो तो यह भी हो सकता कि यह चाल कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्ते उठी पै जाए तो दूजे पास नवजोत सिद्धू का कद जो किसानों के होर उच्चा हो जाए सो स्थितियां बदल दें देर नहीं लगती है क्योंकि अज तक तो 9 अप्रैल तो लैके अज 21 अगस्त हो चली है हूँ तक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना वालों जिहड़ी भी चाल चली गई है वह चाल सीधी नहीं पई वह पुठी पई है और दूजे पास जिहड़ा बंदा लोग मुद्दों या लोग मसलों को लैके गया वह दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा सो कहने का अर्थ यह है कि ठीक है जिस तरह मैं पहले ही अपनी गल इतों शुरू की सी जिस तरह अंग्रेजी की एक फ्रेज मैं बोली कि एवरीथिंग इज राइट लव एंड वार मुहब्बत जंग च सब कुछ जायज है जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी अजि नीतियां खेड सकते हैं तो दूजे पास भी सियासत के धनंतर जोड़े ने चाणके जोड़े ने वो भी दूजे पास चाल चल रहे पे आ हूँ वेखना तो यह है कि कहड़ा व्यक्ति जरा नेक नीति दे नाल जां मंशा दे नाल इन्हां किसानां दे नाल खलोता जां इन्हां दे नाल सियासत करदा रहा सियासत कर रहा जिस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी अपने सुभाअ दे मुताबक सियासत करदे रहे ने 4.5 साल दौरान वह कदे भी बाहर नहीं निकले तो जेकर हुण बाहर निकले ने तो केवल नवजोत सिद्धू करके जां उहदे दबाव दे करके जां उस टीम दे दबाव करके निकले ने ते दबाव जिहड़ा है उत्तों सारिआं नूं पता कि किस तरीके नाल हुण उहनां दी जिहड़ी भूमिका जिहड़ी चलदी पई आ
और ये नाल ही नाल जिहड़ी तुसीं गल कीती कि कल जिहड़ी उन्होंने लॉबी बदली जिहड़ी आ अकाली पक्षी और आर एस एस संबंधित जिहड़े उन्होंने अफसर जिहड़े लाए ने ये भी लोगों को पता लग गया कि इसकी मंशा जिहड़ी इसके पिछे की काम कर रही है। जी सर ਅਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਾਚੀ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।